भगवा मुद्दे पर हरियाणा के मंत्री के राक्षस वाले बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम बघेल ने कहा, मैंने अपने बयान में जो सवाल किया उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं और अब सर्टिफिकेट बांट दिया। इसके पास सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है जो ये लोग बांटते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही, और इनके खिलाफ बोलो तो अब राक्षस बोलते हैं। दरअसल भेंट मुलाकात के तहत बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत में यह बातें कही। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के बयान के सवाल पर सीएम बघेल बोले, भगवा रंग त्याग रंग है। यदि बजरंग दल के लोगों ने भगवा रंग धारण किया है तो त्याग क्या किया है? भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताएं। इसलिए भगवा रंग भी हमारे तिरंगे में भी सबसे ऊपर है। भारतीय संस्कृति में त्याग का सर्वोच्च स्थान है। जिन्होंने समाज और देश के लिए सर्वोच्च त्याग किया है उसका सबसे ज्यादा सम्मान होता है। इससे पहले भी फिल्म पठान में भगवा रंग को लेकर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि भगवा रंग तो त्याग और बलिदान का रंग है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले जो भगवा पहनकर घूम रहे हैं उन्होंने कौन सा त्याग किया है? भगवा रंग जो है वह यज्ञ की अग्नि की ज्वाला का रंग है, वह पवित्र है, वह त्याग और बलिदान का रंग है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इसमें अभिनेत्री के भगवा रंग के पहनावे को लेकर विवाद चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरे, सब लोग अभी बयान जारी कर उस पर निशाना साध रहे। तो मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, यदि भगवा रंग धारण किए हैं तो उन्होंने त्याग क्या किया है? कपड़े कोई रंग के पहन सकता है, मान लो काले रंग के जैकेट पहन के आज मेरे विरोध करने थोड़ी आए। ये कपड़ा वस्त्र है, वस्त्र रोज बदलते हैं, लेकिन जब कोई चीज धारण करते हैं, वो अंगीकार करते हैं तो वो एक अलग बात है। और आपने अंगीकार किया है तो बजरंग दल के लोग बताएं कि उन्होंने त्याग क्या किया, क्योंकि प्रतीक भगवा है और त्याग का प्रतीक है। यदि मैं बोल रहा हूँ, मैं बयान दे रहा हूँ गलत है तो बताए, वो त्याग के प्रतीक है कि नहीं है? सर्वोच्च चीज आगे, इसलिए हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर वो ही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, परंपरा है, वो त्याग को सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज में भी, हमारे भारतीय समाज में भी त्याग को सर्वोच्च स्थान मिला है। जिन्होंने अब समाज के लिए, देश के लिए